हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बिमिक्स के इनपुट्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, यानी कि आप बिमिक्स में जो इनपुट दिए हुए हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप वीडियो इनपुट कैसे करें, ब्राउज़र के सोर्स से आप कैसे इनपुट ले सकते हैं, बिमिक्स कॉल का इनपुट, स्लाइड शो, इमेजेस, MP3 या कोई भी फॉर्मेट आप कैसे डायरेक्टली बिमिक्स में एज अ इनपुट के तौर पर ले सकते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा विमिक्स ओपन है, इसमें हम ऐड इनपुट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है वो वीडियो का, यानी इसमें आप सिंगल वीडियो को ऐड कर सकते हैं। ब्राउज जो भी आपकी वीडियो की फाइल लोकेशन है वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो को, एंड देन क्लिक एन ओके। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमारा वीडियो प्ले हो गया। इस वीडियो को आप लूप लगा सकते हैं कि एक ही वीडियो हमारी कंटिन्यू लूप में चलती रहे। तो ये तो हमारा सिंगल वीडियो का हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और ऐड इनपुट पे क्लिक करते हैं। जो हमारा डीवीडी का ऑप्शन है, तो जब आपके सिस्टम में डीवीडी प्लेयर्स हैं वो डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं आप। फिलहाल मेरे सिस्टम में नहीं है, तो आप डायरेक्टली फोल्डर सेलेक्ट करके डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा लिस्ट का है, यानी आपको मल्टीपल ऑडियो, वीडियो या कोई भी मल्टीपल वीडियोस लगानी हो, इमेजेस, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम सैंपल के तौर पे हमारी एक वीडियो ये ऐड कर ली हमने, और भी मल्टीपल हमने दो तीन वीडियोस, सपोज लाइक दिस वन, तो ये हमने तीन वीडियो इसमें ऐड कर ली और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारी तीनों वीडियो लिस्टिंग में दिख जाएगी। इस पर एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक हमें नया पैनल मिलेगा, जिसमें अगर हमें सिंगल वीडियो को लूप में चलाना है तो हम लूप में क्लिक कर देंगे। सेकंड वीडियो हमें सेलेक्ट करना हो तो हमें सेकंड वीडियो पर डबल क्लिक करके हम नेक्स्ट वीडियो पर भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा बटन दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो का, यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम नेक्स्ट वीडियो पर पहुँच सकते हैं। लूप हम लगा देते हैं तो लूप में क्या है कि स्टिल वो कंटिन्यू लूप में चीज़ें चलती रहेंगी। ये जो आपने प्लेलिस्ट बना रखी है ये लूप में चलती रहेगी। ऑटो नेक्स्ट का मतलब होता है, यानी जो वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी आपकी वीडियो ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ हमारी एक ही फाइल लूप में चलती रहेगी अगर यहाँ पर हमने लूप बटन सेलेक्ट कर रखा होगा। इसके बाद हम आते हैं कैमरा, जो कि आपके फिजिकली कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे, जैसे कैप्चर कार्ड के थ्रू जो हमारा कैमरा कनेक्ट होता है। अभी के तौर पे हम वेबकैम का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा वेबकैम है। वेबकैम का बेसिकली फॉर्मेट जो रहता है वो 1280x720 जो लैपटॉप का वेबकैम होता है, ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा वेबकैम आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें प्रीव्यू नहीं डाला तो ये जस्ट आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। इसको मैंने पॉज कर दिया तो ये हमारा लैपटॉप के कैमरे का इनपुट हो गया। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे कैमरे के इनपुट जो हमारे फिजिकली कनेक्टेड होंगे, जैसे आपका DSLR हो गया या अदर कैमरे होंगे, वो यहाँ पे लिस्ट में शो करेंगे। उसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। इसके आगे आते हैं NDI और डेस्कटॉप कैप्चर। बेसिकली NDI की जो फुल फॉर्म है नेटवर्क डिवाइस इंटरफेस है। तो NDI में मतलब जो भी LAN के थ्रू हमें इनपुट मिल रहे होंगे वो आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, ये उसके बारे में दिया हुआ है। NDI की हमारी अलग से वीडियो बनेगी जो स्पेसिफिक NDI के ऊपर बताया जाएगा कि कैसे आप वर्चुअली चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और एज अ इनपुट के तौर पर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा लोकल डेस्कटॉप कैप्चर है, लाइक डिस्प्ले वन, यानी जो आपका पूरा सिस्टम है उसकी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारी पूरी जो सिस्टम था ये उसकी स्क्रीन इसने कैप्चर कर ली। इससे आप डेस्कटॉप कैप्चर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा NDI कैप्चर, लोकल डेस्कटॉप कैप्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं स्ट्रीम, यानी अगर आपको RTMP के थ्रू, SRT के थ्रू फीड्स वगैरह लेनी हो डायरेक्टली एज अ इनपुट के तौर पर वीमिक्स में, वो आप डायरेक्टली इसमें ले सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगला हमारा आता है। इन सारे फीचर्स की हमारी एक स्पेसिफिक वीडियोस बनेंगी। ये तो मैं आपको बेसिक इतना ही बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करेंगे। ये हमारा होता है इंस्टेंट रीप्ले, जैसे आपको
मैच में आपने देखा होगा, जैसे कोई सिक्स जाता है या फोर जाता है, रन आउट होता है या एक्स वाई जेड जो भी हमारा फंक्शन होता है, उसको हम थोड़ी देर के लिए रिवर्स करके दिखाते हैं, रीप्ले करके दिखाते हैं। तो ये उसके लिए पैनल दिया हुआ है। ये हमारा नेक्स्ट इमेज सीक्वेंस है, जैसे आपको इसमें सिंगल इमेज के जो सीक्वेंस होते हैं वो आपको यूज़ करने हो, लोगो हो गया हमारा, तो वो एज अ मूव के फॉर्मेट में चलता है। ये एज अ स्लाइड शो चलेगा। इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि जैसे आपको मल्टीपल इमेजेस को मूव करना हो और एज अ वीडियो का फॉर्मेट देना हो, तो ये पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अभी इसका यूज़ बहुत कम होता है क्योंकि लोगों के तौर पे हम लोग इसका यूज़ करते थे। बेसिकली अगला जो ऑप्शन है वो हमारा वीडियो डिले का है। इसमें हम जो भी हमारा सोर्स होगा उसको हम थोड़ी देर के लिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितने सेकंड का डिले देना चाहते हैं वो यहाँ पे कंट्रोल करके दे सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा इमेजेस का है, अगर आपको कोई इमेजेस शो करनी है डायरेक्टली वो आप डायरेक्टली इसमें शो कर सकते हैं। सपोज ये हमारी इमेज है, ओके, एंड ये हमने इमेज शो कर दी और कट मार दिया, तो इससे क्या है कि डायरेक्टली आप फाइनल आउटपुट पे इमेज फायर कर सकते हैं। इससे अगला इनपुट जो आता है वो हमारा फोटोज़ का आता है। फोटोज़ इन द सेंस आप मल्टीपल इमेजेस इसमें चला सकते हैं। लाइक मैंने एक फोल्डर बना दिया एंड ये मेरा स्क्रीनशॉट का फोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड देन ओके कर दिया, तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी स्लाइड शो में एज अ चलती रहेंगी। इस पर आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं कितने सेकंड के ट्रांजेक्शन पे ये चेंज होता रहे। अगर मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड में चेंज होता रहे तो वो एक सेकंड में चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये स्लाइड शो के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल इमेजेस आपको बैक टू बैक एज अ पीपीटी के तौर पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज पीपीटी का एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने पीपीटी को ऐड कर सकते हैं और उसको भी आप एज अ इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जो है हमारा है वो कलर बार का है, तो जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो आप लेके फायर कर सकते हैं, सपोज लाइक दिस, या आपको अगर कस्टम कलर लेने हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से कस्टम कलर ले सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, जो भी एज अ बैकग्राउंड के तौर पर लेना हो, लाइक दिस, लाइक दिस। इससे अगला इनपुट हम बढ़ते हैं, तो ये है ऑडियो का। जैसे आपको कोई MP3 फाइल प्ले करनी हो, ऑडियो प्ले करनी हो, सपोज मैंने ये प्ले किया, इसको मैंने लूप में लगा दिया, आप अदरवाइज आप बिना लूप के भी चला सकते हैं। ये हमारा लिस्ट हटा देते हैं इसको, और ये हमारा ऑडियो है, इसकी ऑडियो हमने इनेबल कर दी। और एज अगर आपको बैकग्राउंड में ऑडियो प्ले करनी है तो ये हमारी ऑडियो जा रही है ऑन ईयर, यानी आप फाइनल आउटपुट के साथ हमारी ऑडियो जा रही है, प्लस हमारा जो आउटपुट चल रहा होगा, सपोज़ मेरी ये वीडियो चल रही है, इसके साथ ही अगर मैं ऑडियो को भी प्ले करना चाहूँ तो ये मेरी ऑडियो भी प्ले हो रही है। अगर मैं इसको पॉज कर दूंगा तो इसके साथ ऑडियो मेरी बंद हो जाएगी। तो बेसिकली MP3 फॉर्मेट या कोई भी ऑडियो फॉर्मेट का यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे बैकग्राउंड में न्यूज़ में क्या होता है कि बैकग्राउंड से ऑडियो प्ले हो रही होती है, उसके ऊपर कुछ बात करनी हो या डिबेट करनी हो, तो बेसिकली उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे ऑडियो इनपुट के बारे में। इसमें आप ऑडियो को कैसे एज अ इनपुट के तौर पर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके लिए दी हुई हैं, जैसे लाइन इन, माइक, ये सारी चीज़ें अगर आपको ऐड करनी हो, तो ये हमारा माइक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इंटरनल जो सिस्टम का माइक होता है वो यूज़ करेगा। बट जब भी आप माइक यूज़ करें इस ऑप्शन को ज़रूर टिक कर दें, इससे क्या होगा कि जो स्पीकर में ऑडियो इसकी वेमिक्स की ऑडियो प्ले होगी वो आपको रिवर्ट बैक में सुनाई नहीं देगी, मतलब जो हम बोल रहे हैं वही से आपको रिपीट नहीं होगी, ये सिर्फ हमारे आउटपुट तक जाएगी और जो हमारे गेस्ट होंगे, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा उस पे डायरेक्टली ऑन एयर हो जाएगा। सेम अगला हमारा आता है लोगो टिकर, ये हमारा कुछ डिफ़ॉल्ट है कि हाँ हम यहाँ से लोगो चला देते हैं। लोगो हम हमेशा की पे चलाएंगे, ये हमारी कीज़ होती हैं, चार कीज़ होती हैं, कीज़ के बारे में अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारा लोगो फायर हो गया। सेम अगर हमें टिकर चलाना हो तो ये टाइटल में सारे फीचर आपको मिलेंगे,
और इसमें डिफॉल्ट काफ़ी सारे टैंपलेट्स दिए हुए हैं। अब करना क्या है कि जैसे हमारा चार नंबर पे अगर हमने लोगो फायर किया तो जो हमारा टिकर वगैरह फायर होगा वो हमेशा तीन नंबर या उससे लोअर नंबर पे फायर होगा, क्योंकि हमारे पास चार कीज़ होती हैं, लिमिटेड होती हैं। इसको हम बाद में मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, एक की पे हम मल्टीपल फंक्शन चला सकते हैं, जैसे लोगो एंड टिकर को हम सिंगल की पे भी रख सकते हैं जिसके लिए हम मल्टी व्यू का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम बाद में आराम से, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको यहाँ से इसके टाइटल्स चेंज करने हो तो राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो लाइक दिस। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना हो तो डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन और इसका टाइटल चेंज कर दिया है। इसके फॉन्ट को हम छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो आप देख सकते हैं। सेम अगर हमें टिकर चलाना हो तो वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा। ये सारे फंक्शन हमारे टिकर, स्कोर बोर्ड, GT सोशल, अगर आपको सोशल के कमेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली अपने लाइव फीड में शो करने हों तो वो आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसी के लिए दिए हुए हैं। और इसके अलावा टिकर का ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप टिकर चला सकते हैं। ये हमारा टिकर चल गया, ऊपर हमारा लोगो फायर हो रहा है। एंड इसकी पोजीशनिंग अगर आपको सेट करनी है, ये जैसे हमारा यहाँ हो गया, तो हर इनपुट की, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर इनपुट की अपनी एक सेटिंग्स होती है, तो इसकी सेटिंग यहाँ पर होगी और यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे और आप इसको मैन्युअली भी मूव कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी इसको कंट्रोल एंड छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा कलर करेक्शन है, अगर आपको कलर चेंज करना हो। लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हम दो नंबर पे मान लीजिए फायर किया हमने, ये हमारा कितने प्यारे एनिमेशन के साथ ये ऐड किया गया है इसको। हम टिकर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, वापस ऐड इनपुट पे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो वर्चुअल सेट है। आप इसमें लाइव क्रोमा एज अ वर्चुअल सेट यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा सेट है। कैमरे की पोजीशनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, जूम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये फीचर है। और इसमें आई थिंक अभी जो लेटेस्ट इन्होंने ऐड किया है वो तीन सेट और ऐड किए हैं, पहले ये सिर्फ ऊपर के तीन सेट थे, अब ये नीचे के तीन सेट और ऐड कर दिए गए हैं। सेम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं वेब ब्राउज़र पर। वेब ब्राउज़र में क्या है कि अगर आपको YouTube से कोई वीडियो है वो आपको उठा के डायरेक्टली अपने फीड में प्ले करना हो या वीमिक्स में एज अ इनपुट के तौर पर लेना हो तो आप डायरेक्टली या तो ब्राउज़र के थ्रू ले सकते हैं या फिर जर्नली क्या कर सकते हैं, सपोज डैट मेरी एक वीडियो है, इसको मैंने कॉपी कर लिया एज अ लिंक के तौर पे, बंद कर दिया एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसको ओके कर दिया। ये स्क्रॉल डाउन, ये हमारा इनपुट आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें करना क्या है कि इसका कीबोर्ड एंड माउस को इनेबल कर लेना है और वीडियो को अगर हमें फुल स्क्रीन करना हो तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं। एज अ पूरा आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र मिल जाएगा, जैसे हम वेब ब्राउज़र में कंट्रोल करते हैं सेम आप यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो प्ले को आप नेक्स्ट को बंद कर सकते हैं, आप सेम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, इसमें जो एड्स आ रही हैं उसको कट कर सकते हैं और वापस से इसके कीबोर्ड और माउस को बंद कर सकते हैं, ताकि अगर आपका माउस बार बार जाएगा तो ये ऊपर का टाइटल एंड नीचे का बार आता है वो हट जाएगा। तो ये हम हटा दिया और एज अ इनपुट के तौर पे इसको हमने फाइनल आउटपुट में भेज दिया। तो इस तरीके से आप वेब ब्राउज़र को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है वेमिक्स कॉल। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली 8 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं वेमिक्स कॉल के माध्यम से। तो आपको करना क्या है कि जस्ट इस लिंक को कॉपी करना है एंड ओके करना है। ये हम बंद कर देते हैं बाकी फीडो को ताकि थोड़ा सा सिस्टम पे लोड कम पड़ जाए।
ये हमने सारे इनपुट्स ऑलमोस्ट बंद कर दिया, या तो ये हमारा विमिक्स कॉल ऐड हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि ये लिंक आपको क्लाइंट को एज अ व्हाट्सएप के फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो जस्ट क्लाइंट क्या करेगा या गेस्ट आपका क्या करेगा, इस लिंक पे क्लिक करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप का एक पैनल ओपन हो जाएगा, ये आपके फ़ोन में भी ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पे भी चल जाएगा। लैपटॉप पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमने अपना नाम डाला, पासवर्ड ऑटोमेटिक आएगा। अदरवाइज़ किसी किसी फ़ोन में अगर पासवर्ड ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक नंबर डायल होता है जो बेसिकली 10 डिजिट का होता है। ये नंबर आप उनको बता सकते हैं, कॉल पर बता सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप उनसे vimixcall.com वेबसाइट ओपन करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा कैमरा और माइक अलाउ करने की परमिशन मांग रहा है, जिसको हम अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो भी फीड्स होंगी, यहाँ से आप कैमरे को बंद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमारा जो हमारा वेबकैम होगा वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और वैसे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो वन टाइम रहता है। जैसे ही आपकी यहाँ पे फीड आ जाएगी, यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट की यानी जो जा रहा होगा, जो लाइव चल रहा होगा, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आने लगेगा। ये हमने वीडियो प्ले कर दी और ये हमारी यहाँ पे वीडियो आने लग गई, और जो इसकी फीड होगी वो हमें वेमिक्स कॉल पे मिल रही है ऑलरेडी। ये रही, यहाँ से आप पैनल को बंद कर सकते हैं ताकि आप फाइनली अपना प्रीव्यू देख सकें। अदरवाइज़ आपको अपना कैमरा भी देखना हो तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे आपके पास पूरे कंट्रोल दिए हुए हैं, आप माइक को म्यूट कर सकते हैं, वीडियो को फीड को बंद कर सकते हैं, और यहीं से इसको ऑन भी किया जा सकता है। यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट होती है और ये बंद कर दिया हमने। तो जब भी यूज़र कनेक्ट होगा वो आप यहाँ से कॉल मैनेजर राइट क्लिक करके पता कर सकते हैं कि वो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसने माइक ऑन किया नहीं किया, माइक ऑफ़ किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो लॉग होता है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये हमारा वेमिक्स कॉल भी कनेक्ट हो गया। तो फाइनली हमारा लास्ट फीचर यही था, बाकी डिटेल वीडियो हर एक इनपुट्स के बारे में बताई जाएगी आपको, सारे फीचर्स की सेपरेट वीडियो एक अलग से बनाई जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KGS Tech Support को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।